प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जो कि वो देंगी पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार मुजफ्फर चौधरी को। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। बंगाल की जो रोड पर उतर गई है और इंसाफ मांग रही है और बलात्कारियों को जेल की हिरासत में देखना चाहती है, डेथ पेनल्टी दिलवाना चाहती है, ममता बनर्जी साहिबा उसके अगेंस्ट में FIR कर रही है। अब बात यहां पर आती है कि एक सिविक पुलिस, ये भी मैं बताती चलूं कि ममता बनर्जी सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो पुलिस मंत्री भी है, वो स्वास्थ्य मतलब हेल्थ मिनिस्टर भी वही है और माइनॉरिटी मिनिस्टर भी वो खुद ही सारी पावर उनके हाथ में। हाँ, वो खुद को ब्राह्मण बोलती हैं, ब्राह्मण घर की हिंदू महिला बोलती हैं, पर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री उनके पास है, ठीक है। वो किसी मुसलमान को माइनॉरिटी मिनिस्ट्री वो दी नहीं है, तो चार चार मंत्रालय उनके हाथ में है। और पुलिस एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, एज अ पुलिस मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, उनके ही मंत्रालय का अपॉइंट किया हुआ एक सिविक पुलिस एक इंटर्नी डॉक्टर का रेप करता है और पता चलता है उसके मेडिकल रिपोर्ट से कि वो एक नंबर का गंजेड़ी था, पुलिस वो एक नंबर का चस्सी था, वो पॉर्न मूवीज देखता था, वो गंदी गंदी अश्लील अश्लील तस्वीरें देख करके अपने सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन को, डिजायर्स को कंप्लीट करता था, वो बिना दारू पिए वो कभी भी गवर्नमेंट अस्पताल में नाइट ड्यूटी करता ही नहीं था, उसने ऑलरेडी 3 शादियां की थी, चौथी बीवी जो थी वो उसको बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन फिर भी कोलकाता पुलिस का एक सिविक पुलिस जिसकी छाती में उसके यूनिफॉर्म पर कोलकाता पुलिस लिखा हुआ था, जिसके फटफटिया बाइक में कोलकाता पुलिस का स्टिकर था, जिसके घर वाले को उसके ऊपर बहुत शान था, बहुत घमंड था कि उसका बेटा कोलकाता पुलिस में काम करता है, वो बेसिकली एक नंबर का गंजेड़ी नशेड़ी और वो ठरकी और वो बलात्कारी निकला और वो मर्डरर निकला। अब आते हैं डिजीज्ड पर जिसकी रेप और हत्या हुई। लड़की ने अपनी अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने बॉडी के जिस पार्ट्स का भी उसने सहारा लेना चाहा, उस पार्ट्स को तोड़ दिया गया। उसने हाथ से खुद को बचाने की कोशिश की, उसकी उंगलियां तोड़ दी गई, उसने गर्दन से मार करके खुद को बचाने की कोशिश की, उसके गर्दन का बैकबोन तोड़ दिया गया, उसने कमर से उठने की कोशिश की, उसके कमर का टेलबोन तोड़ दिया गया, उसने पैर से धक्का मारने की कोशिश की, उसके दोनों पैर तोड़ करके एक लेफ्ट एक राइट कर दिया गया, उसने अपने बाजू से खुद को बैलेंस करके उठाने की और अपनी आबरू को और अपनी जान को बचाने की कोशिश की, उसके ये दोनों हड्डियां तोड़ दी गई हैं, उसने अपनी आंखों से गुस्से से क्योंकि बलात्कारी को देखा है तो चश्मा पहनी हुई थी और चश्मा के साथ उसके आंखों में शीशा घोप घोप करके मारा गया है। पोस्टमार्टम होते वक्त भी उसके उसके जबड़े टूटे हुए थे, उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी, उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी, उसके आंख से ब्लीडिंग हो रही थी, उसके वजाइना से ब्लीडिंग हो रही थी। 47 बोन्स तोड़े गए हैं, 47 शरीर से जान निकल चुकी, लेकिन बलात्कारियों का वो ठरकबाजी नहीं निकला था, वो लड़की दम निकाल चुकी थी लेकिन इनका डिस्चार्ज नहीं निकला था, वो लड़की मर चुकी थी पर इनका अश्लीलता का जो मजा था वो नहीं निकला था, वो लड़की चीख कर चिल्ला करके अपनी मौत को पुकार चुकी थी, अपनी मौत को गले लगा चुकी थी पर सभी बलात्कारियों ने उसको गले से हटाया नहीं था, वो गीदड़ों की तरह और जानवरों की तरह उस लड़की को उस वक्त तक नोचते रहे, उस वक्त तक तोड़ते रहे, उस वक्त तक रेप करते रहे जब तक बलात्कारियों का मन नहीं। इतने जालम, इतना भी कोई जालम हो सकता है? मुझे तो घिन आ रही है अपने इंसान होने से, और इंसान इस तरह से कर सकता है कि वो कि किसी की जान ले लो, उसके इतने उसके अपने 47 उसके जिस्म के जो है वो हड्डियां उसकी तोड़ दी गई, क्या वो जानवरों से भी बदतर लोग हैं ये?
158 ग्राम सीमेन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी बॉडी से उसकी वजाइना से निकला है, मतलब कि 8 से 10 मर्दों ने उसका रेप किया है। 158 ग्राम सीमेन, मतलब जब एक रेप किया है तो दूसरे ने समय नहीं लिया है, एक रेप करके हटा है, दूसरा किया है, दूसरा हटा है, तीसरा किया है, तीसरा हटा है, चौथा किया, और ऐसे ही 8 से 10 लोगों ने कंटिन्यूअसली उसका रेप किया है। और हो सकता है कि उसकी मौत हो चुकी होगी तब भी उसका रेप होता रहा है। मिनी पाकिस्तान बनाने के लालच में ममता बनर्जी साहिबा ने इस राज्य में ऑर्गन ट्रैफिकिंग, सेक्स रैकेट, बच्चा चोरी, मेडिसिन के अंदर ड्रग्स का सप्लाई, सब कुछ ममता बनर्जी के नाक के नीचे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते अपने राज्य के गुंडों को जेल की सलाखों में डालने के बजाय वो एफआईआर का चिट्ठा फड़वा रही है उन लोगों पर जो उस बच्ची के लिए न्याय की फरियाद कर रहे हैं, जो उस बच्ची के लिए इंसाफ की फरियाद कर रहे हैं, जो उस बच्ची के लिए दिन रात रोड पर बैठे हुए हैं, जो उस बच्ची के इंसाफ के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जो उस बच्ची के इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो उस बच्ची के इंसाफ के लिए और आने वाले देश की तमाम पीढ़ियों को सुरक्षित महसूस करवाने के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक जजमेंट दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस भारत की एक भी बेटी दोबारा कभी डरे ना, डर से कोई डॉक्टर ना बनने की कसम ना खा ले। जिस डॉक्टर को हम भगवान का स्वरूप समझते हैं, जिस डॉक्टर अल्लाह और भगवान हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन धरती पर अगर हम किसी को भगवान समझते हैं तो वो महज डॉक्टर ही होते हैं जिनके सामने हर धर्म और मजहब का व्यक्ति जो है वो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि अभी आप धरती पर भगवान हैं और हमारे इस बंदे को बचा लीजिए। और उस भगवान का जिस तरह से चीर हरण किया गया है, जो अश्लीलता का नंगा नाच किया गया है, और उस पर आवाज और इस घटना पर आवाज उठाने वाले हर व्यक्ति के ऊपर ममता बनर्जी साहिबा जो है वो FIR करवा रही है। और देखिए निर्लज्जा बेशरम माँ को देखिए, जो बलात्कारी है उसकी माँ को देखिए, वो कह रही है नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। आपके बेटे का चरित्र उसी वक्त साबित हो जाता है जब आपका बेटा 4-4 शादियां करता है। आपके बेटे का चरित्र उसी वक्त साबित हो जाता है जब आपके बेटे के मोबाइल से अनगिनत पॉर्न मूवीज दिखाई देती है सर्च के वक्त में। आपके बेटे का चरित्र उसी वक्त साबित हो जाता है जब आपके बेटे के ब्लड से बे इंतहा ड्रग्स समझ में आता है। आपके बेटे का चरित्र उसी वक्त समझ में आ जाता है जब आपके बेटे के पसीने से लेकर के मुंह तक से सिर्फ दारू और शराब की गंध आती है और बिना पिए वो 1 घंटा भी नहीं रह सकता है। आपके बेटे का चरित्र उसी वक्त समझ में आ जाता है। मैं हर धर्म और हर मजहब की माओं से पूछना चाहती हूँ कि बेटियों को देख करके तो बड़ा मुंह सुकड़ाती है, बेटियां अगर जीन्स पहन लेती हैं तो आवारा बोलते वक्त एक एक लम्हा भी उनका मुंह उनकी जुबान नहीं लड़खड़ाती है। बेटियां अगर पढ़ती हैं तो बहुत सारी ऐसी आंटियां हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आराम से उनको उनके चरित्र पर उंगलियां उठा देती हैं। बेटियां अगर थोड़ा सा मेकअप कर लेती हैं तो सबसे पहले कुछ महिलाएं बोलती हैं देखो कैसे आवारा की तरह बाहर निकली है। और बेटा पैदा करने के बाद ऐसा क्यों लगता है कि आपने बहुत बड़ा तीर मारा है? एक अच्छे परिवार के लिए और एक अच्छे खानदान के लिए अगर उसकी बेटी का इज्जत आबरू सलामत रहना और उसकी बेटी की का चरित्र अच्छा होना जरूरी है तो एक अच्छे खानदान के लिए एक अच्छे खूबसूरत घर के लिए उसके बेटे का भी चरित्र अच्छा होना बहुत जरूरी है। हमेशा आपकी बेटी ऐसा क्यों करती है, आपकी बेटी ऐसा क्यों पहनती है, आपकी बेटी ऐसे क्यों जाती है, आपकी बेटी वैसे क्यों करती है, आपकी बेटी को खाना बनाना आता है कि नहीं आता है, आपकी बेटी को एडुकेशन में क्यों पढ़ती है, आपकी बेटी इतना ज्यादा क्यों बोलती है, हम भी तो पूछे कभी कि आपका बेटा रेप क्यों करता है, आपका बेटा लड़कियों की जीन्स क्यों झांकता है, आपका बेटा हमारे क्लेविश को क्यों देखता है, आपका बेटा हमारे लिप्स को क्यों देखता है, आपका बेटा हमारी लिपस्टिक क्यों देखता है, आपका बेटा हमारी एक्टिविटीज क्यों देखता है, आपका बेटा हमारा मोलेस्टेशन क्यों करता है, आपका बेटा हमारे जिस्म को गैर जरूरी तरीके से क्यों देखता है, आपके बेटे आपका आपका बेटा क्यों अनपढ़ और जाहिल है,
हम भी तो पूछ सकते हैं, आप कितनी बेशरम माँ है जो इतना अश्लील बेटा पैदा की है, आप कितनी बदतमीज माँ है जो आपने एक बलात्कारी को अपने कोख से पैदा किया है, आप कितनी निर्लज्जा माँ है जो आपका बेटा बाहर निकलते ही इस समाज की बेटियों को एक हवस भरी नजर से देखता है, क्या आपके भी बूब्स को वैसे ही देखता है जैसे वो हमारे बूब्स को देखता है, क्या आपके शरीर को भी वैसे ही देखता है जैसे हमारे शरीर को देखता है, क्या आपके भी शरीर को वैसे ही नोचता है जैसे हमारे शरीर को नोचने के लिए वो हावी रहता है? हम भी तो पूछ सकते हैं माओं से, हम भी तो पूछ सकते हैं, हमें भी तो अधिकार है कि बेटे की माओं से, हालांकि मैं खुद बेटे की माँ, लेकिन मेरे बेटे को जो मैं शिक्षा दे रही हूं वो एक नजीर होगा इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक नजीर होगा। तो सब माएं ऐसा क्यों नहीं सोचती हैं? दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आएगा, जहां पे आपने देखा नाजिया खान जी ने ना सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि कोलकाता केस का जो मेन कल्प्रिट है संजय रॉय, उससे लेके जितने भी हवस के दरिंदे हैं उन सबको एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।